नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू द शो जिंदगी फुल ऑन। तो फिर किस चीज का है इंतजार, की इंतजार कर रहे हो तुसी? क्या पारखी सी नजरें किसी को परखने के लिए बैठी हैं, या फिर कोई नजरें गढ़ाए हुए किसी के लिए किसी को तलाश रहा है? क्या लेकर के आज शो में आएगी सिमर, ऐसा भी कोई हिसाब किताब लगा रहा है? कुछ तो होगा दिमाग में, कुछ तो चल रहा होगा। क्या चल रहा है जरा बताइएगा जरूर। लेकिन यहाँ जिंदगी फुल ऑन में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है और क्या आगे बढ़ेगा, आपके दिल तक क्या जाएगा, ये तो अभी सिमर बताएगी ना। पहले तो सबको थोड़ा होता है ना कि अरे हो गया, शुरू हो गया, नहीं 5 मिनट लेट था, नहीं 10 मिनट लेट था, अरे सिमर इतनी देर से तो वेट कर रहे थे, अब तुम लेट आती हो। हाँ तो फिर मैं अभी तो सबको इकट्ठा कर रही हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फिर फ्राइडे है, फ्राइडे है, और फ्राइडे जो दिन होता है ये माना जाता है कि बहुत ही सुकून वाला दिन होता है। वैसे जिंदगी में सुकून कैसे कैसे आता है, जिंदगी में भी सुकून के अलग अलग पड़ाव होते हैं, है ना? और पहले तो उस सुकून के लिए कितने ही लोग एडवाइसेस देते जाते हैं, कितने ही लोग अरे फलाने दी कुड़ी है, फलाने दा मुंडा है, हैं वो सब आके बताते रहते हैं। देखा तुसी उन्हों, उसी देखा जस पंजाबी दे, जस हिंदी दे, देखा जे पता तो करो सिमर तो कौन हैगा, हैं देखिए वो चाचे दे मुंडे दा ब्याह करा दें, नहीं वैसे उस लड़की के लिए तो हमारा वो भी लड़का ठीक रहेगा। हाँ वैसे वो जो लड़का बैठा था उसके बारे में आपका क्या विचार है? ऐसे ऐसे डिस्कशंस चल रहे हैं या नहीं? लेकिन मैं चाहती हूँ कि फ्राइडे के लिए ये सब डिस्कशंस आप इकट्ठे करके रखिएगा, क्योंकि हर बार हम आपको नए लोगों से मिलवाएंगे जो सोच रहे हैं कि अब उनकी जिंदगी में सुकून लाने वाला कौन होगा। कोई सोचता होगा सुकून है, कोई सोचता होगा फालतू का जुनून है, कोई सोचता होगा क्या है ये शादी, कोई सोचता होगा आजादी की शहादत है ये शादी, और कोई सोचता होगा कि बस देखिए ना साथ में चलने वाला एक साथी है और जिंदगी खूबसूरत हो रही है, जिंदगी फुल ऑन हो रही है। कोई सोचता होगा मनमानी की कुर्बानी है ये शादी, और कोई कोई सोचता होगा कि शादी जिसने कभी किसी की नहीं मानी उसने अपने लाइफ पार्टनर की हर बात मानी, क्योंकि उसने उसकी हर बात दिल से जानी। ये तो तभी होगा ना जब लाइफ पार्टनर थॉट्स से मैच करेगा। मैच कैसे होगा? ये ना हो कि मैच होता रहे, हमें तो ये वाला मैच कराना है ना। अगर आप भी सोचते हैं, आप भी देख रहे हैं किसी के लिए आस पास, अरे मेरा फलाना दोस्त, मेरा फलाने दा मुंडा, मेरा मुंडा है, मेरी कुड़ी, आप देख सकते हैं। बिकॉज जो आप वैसे देखते हैं ना मैट्रिमोनियल्स में, आप पेपर वर्क देखते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क देख रहे हैं, और जब मुलाकात हो रही है तो आप उतनी सी मुलाकात में क्या देख रहे हैं, असलियत देख रहे हैं या पता नहीं आर्टिफिशियल देख रहे हैं? लेकिन जिंदगी फुल ऑन है तो यहाँ पर जो भी लोग आएंगे उनका असल रूप आपके सामने रहेगा, उनका थॉट, उनका नेचर, उनका व्यू पॉइंट, सब कुछ आपके सामने रहेगा, ताकि आपको कहीं ना कहीं लगे अरे हाँ ये थॉट मैच करती है, तो हम मैच आगे बढ़ा सकते हैं, ये वाला नहीं ये वाला। तो फिर कोई कह रहा था सिमर तुम ही बोलती रहोगी, अब हम देख लें कि कौन कौन आया है। तो वैसे तो मुझे भी देखना है कि कौन कौन आया है। हाँ तो हमारे कैमरास दिखा रहे हैं कि आज हमारे स्टूडियो में कौन कौन से
गेस्ट हैं जो अपनी लाइफ नई शुरू करना चाहते हैं, क्या हम देख सकते हैं? हा? ये ऐसे क्यों लग रहे हैं शर्माने वाले? हेलो मैम, सत श्री अकाल मैम। हाय, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेलकम। यहीं पर इतने शर्माते से लग रहे हो? ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी नर्वसनेस है? थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़े थोड़ा है कि पता नहीं हम जो सोच रहे हैं सामने भी कोई सोच रहा होगा या नहीं। हाँ, ऐसा है थोड़ा सा। तो जब आपने सोचा कि चलो इस शो के लिए जिंदगी फुल ऑन फ्राइडे स्पेशल है, जहाँ पर यंगस्टर्स बताते हैं कि उनको लाइफ में कैसा पार्टनर चाहिए, और मैं तो ये चाहती हूँ अपने सभी व्यूअर्स को ये मतलब चाहती हूँ कि वो भी देखें कि किस तरह से इनकी जिंदगियों को आगे इनकी मन इनकी मर्जी से इनकी चाहतों के अकॉर्डिंग और थॉट मैच कराए जा सकते हैं, है ना। तो जब आपने सोचा कि चलो इस शो में बैठते हैं, तो क्या एक थॉट था आपके माइंड में? पहले मैं ये थॉट जानना चाहती हूँ, फिर आप सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। आप पहले। मैं आपको बोल भी रही थी कि मुझे मत बोला, इशारा किया था मैंने। इशारे तो सभी ने आज मुझे किए हुए हैं, हमें नहीं करवाना मैडम, हम तो कम ही बोलेंगे, हम में ना बात कराना, बस आप ही कर लेना जितनी करनी है। हा? क्या थॉट था? बस इतना ब्रीफिंग नहीं पता थी कि इतना सब ये होगा, बस थोड़ा ठीक है, थोड़ा हाँ जाते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, डेफिनेटली है ना जी। आपके दिमाग में? मेरे दिमाग च यही थी, अपने आप तो कुछ दस दें अपने विचार कि अपन पार्टनर चाहिए या कुछ अपने गल्ला कर दें। आपके दिमाग में? मैं मेरी वजह से किसी को कुछ हेल्प मिल सके या मैं किसी को अच्छा ओपिनियन दे सकूं आपके शो के थ्रू, तो अच्छा आपने तो अपने प्रोफेशनल वाली बात आपके माइंड में क्या था? मैं मेरे माइंड में ये था कि कुछ जहाँ पे जो हमने सोचा वो सही भी है, कुछ उसका पता भी लगेगा भी हम सही हैं अपने रास्ते पे, कुछ नए पॉइंट्स भी मिलेंगे, और कुछ अपने बारे अगर जो सच हम सोच रहे हैं वो अगर वो ठीक है तो उस पे हम आगे जा भी सकते हैं। ये था ठीक है। पहले तो ये है कि शो है, और शो की एक प्रथा है कि क्योंकि पहली बात मैंने ये कही कि कहीं पे भी अगर हम मैच मेकिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा हम लोगों को पेपर के थ्रू ही जान पाते हैं। हाँ, और यहाँ पर हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि लोग जो व्यूअर्स हैं हमारे आपके रियलिटी को जान सकें। इससे पहले कि ये सब आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, तो ये हमारी एक ऐसी बुक है, इस पर हाथ रख के सबको कहना होता है कि जो कुछ हम कहेंगे सच कहेंगे, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन सब तक है, तो एक बिलीव है कि जो कुछ कहना है वो सच कहना है अपने बारे में। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, मैं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, आप वो वहां रख सकते हैं। थैंक यू। तो फिर हम शुरू करते हैं, कहां से शुरू करेंगे, ये सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद हिम। ये ठीक है, अपने बारे में सब कुछ बताया, अभी तक मैंने आपका नाम तक नहीं बताया, तो अब आपने अपने बारे में ऐसे इंट्रोड्यूस कराना है कि आप अपने आप को लड़की के पेरेंट्स से भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और लड़की से भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। विदिन टू मिनट्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भरत शर्मा है, मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं काफ़ी मस्ती खोर हूँ, जॉली नेचर है मेरा। और आप करते क्या हैं? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरा फाइनल ईयर है, और काफ़ी सोशल वर्किंग में मैं काम करता रहता हूँ चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ के आउटर्स में मैं काफ़ी मतलब पूरा नॉर्थ देख रहा हूँ वैसे तो, और एनिमल्स को लेकर, ट्रीज को लेकर, प्लांटेशंस को लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए मैम हमारे सब में, और काफ़ी फूडी हूँ मैं, देख ही रहा होगा वो देख रहा है एंड उसके अलावा
मोटिव है कि मैं जुडिशली क्लियर कर जाऊँ और लॉन्ग ड्राइव जाना मेरा पैशन है, लाइक ट्रैकिंग करना, न्यू न्यू प्लेसेस पे फाउंड करना कि वहाँ क्या फूड है, लाइक बाकी कुछ नहीं सिर्फ क्या फूड है, फूड है बस, लाइफ ही फूड है. तो काफी बस हुए नहीं अभी दो मिनट, आप तो मतलब लॉ स्टूडेंट हैं और आप ऐसे करेंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे. थोड़ा सोशल वर्किंग मेरा ज़्यादा ध्यान है, माइंडसेट है मेरा, और लाइफ को काफ़ी सीरियस लेके चलता हूँ मैं आजकल. और लाइक जैसे अभी हमारे न्यू केसेस डेली के डेली और लाइफ न्यू जैसे क्रिएशन हो जाती है सबकी, बस इसी को लेकर डेली की डेली न्यू अपडेशन को लेकर मैं डेली क्रिएट होकर कुछ ना कुछ अवेयर होता रहता हूँ. ओके, थैंक यू. आपसे कहूँगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए. नमस्कार जी, मैं मीनाक्षी और मैं यहीं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ. बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ. और थोड़ा ऊंचा बोले ना. मैं ऊंचा बोलू? मेरी पिच बहुत ज़्यादा हाई है एक्चुअली. ट्राई टू बी कि मेरी पिच थोड़ी सी लो रहे. दिखाना है, प्रमोट दिखाना नहीं है ना, आर्टिफिशियल नहीं रहना है. इम्प्रेशन थोड़ा सा बना रहे हैं कि लड़की धीरे बोलती है. नहीं नहीं, इम्प्रेशन नहीं बनाना, रियल रहना. रियल रहना, डेफिनेटली. हेलो, माय सेल्फ मीनाक्षी एंड मेरा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है अपना, छोटा सा बिजनेस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. बाकी मैं अपने बारे में क्या बताऊँ? बताना तो पड़ेगा ना, दो मिनट बताना है. आप अपने आप को किसी को, नए इंसान को जो शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ का पार्टनर बने, उसको इंट्रोड्यूस करना है. नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पूछूं. वो डिपेंड करता है वो तो सामने वाले की बात के ऊपर कि वो. नहीं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मीनाक्षी. मेरी इंट्रोडक्शन से इतनी ही है. बताइए चॉइसेस क्या हैं लाइफ के, गोल कुछ है और मतलब नेचर कैसा है, वो सब तो बताइए ना. तो नेचर डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर की वो सामने वाला कैसा है. okay. अगर रूड हो ट्राई टू बी रूड. और अगर जॉली है, बच्चे हैं तो उनके साथ बच्चे, बुजुर्ग आ गए तो उनके साथ वैसे. बाकी रियल नेचर जैसा सामने वाला है वैसे. डेफिनेटली ऐसा ही है. मैं बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ. मुझे खुद नहीं पता चलता फिर बड़े खाते तो इतनी बड़ी होगी है, बड़ी होगी तो. ठीक है, बस. ओके, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस. हेलो मैम, मेरा नाम अमृतपाल सिंह है. मुझे नहीं करना सबको. हेलो, मेरा नाम अमृतपाल सिंह है. मैं बेसिकली जलंधर तो बिलोंग करता हूं ते फिलहाल मैं चंडीगढ़ से जॉब कर रहा हूं आईटी फील्ड च. और मैनू मूवीज वगैरह या सॉन्ग सुनने बड़े अच्छे लगते हैं. वेरी गुड. और मैम थोड़ा ज्यादा कुछ दसो, कोई एक्सरसाइज करना पसंद है, खाना खाना पसंद है, किते जाना पसंद है, की पसंद है? एक्सरसाइज मैंने पसंद है. मैं अपने फिलहाल ऑफिस भी ना हम साइकिल पे जाना है ना, सर्दियों से दिन शुरू हो गए ना. कितनी दूर है ऑफिस? ऑफिस मेरा 7 किलोमीटर है. तो यू अप डाउन साइकिल से? साइकिल तो पहले बाइक होता थी, कार होती थी, हुन बट रेगुलर बेस पे ना सोचा हुआ कि मैं मोटिव रखा कि जितना टाइम सर्दियां आया उतना टाइम मैं साइकिल ही यूज करूंगा. वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड. और इस अलावा मैम बाकी मैं अपने काम में ज्यादा इंटरेस्ट है. चलो नेचर शाय है, सब मुंडा है, सब मुंडा बिल्कुल बीबा मुंडा. या आप बताएं अपने पंजाबी च दसोंगे, हिंदी च दसोंगे? मिक्स. ओके, वेलकम. सत श्री अकाल जी, मेरा नाम जानवी है ते मैं फतेहगढ़ साहब तो बिलोंग करती हूँ. ते प्रोफेशन मेरा ग्राफिक डिज़ाइनर है जो कि मेरा आपदा ही है, फ्रीलांसर है. ते मेरी जॉइंट फैमिली है एंड बाकी सिस्टर है मेरी छोटी जो कि बाहर है कैनेडा. एंड मैं इत्थे हाँ अपनी फैमिली नाल हाँ. तो ज़्यादातर मैनू फैमिली च रहना पसंद है एंड थोड़ा ओपन होने च थोड़ा जहा टाइम लगता है. इंट्रोवर्ट?
चलिए, ये तो थोड़ा सा छोटा छोटा सा आपके बारे में इंट्रोडक्शन हुआ। अब आगे बात करने से पहले मैं थोनों सारे नु पूछना चाहूंगी, बिकॉज एक जिंदगी का तुसी एक मतलब उस एज ते है कि वो जब तुसी लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो, ते डेफिनेटली जिते तक मैं अंदाजा लगा सकती हूं, मैनू रियलिटी तो नहीं पता भाई, थोड़े घर दे भी कहंदे होंगे भाई ब्याह करना है ना जिस एज ते है हो, ते डेफिनेटली किते ना किते तुसी सोचा भी होएगा, गल भी की होएगी, थोड़े हाले तक दे मैं सारे तो आडर पूछना चाहती हाँ कि किसी नू मिलन तो बाद या किस मतलब किस तरह दे एक्सपीरियंसेस रहे हाले तक। लेट्स स्टार्ट विद अमृत। कभी घर वालों ने मिलवाया हो? घर वाले ने तो मिलाया नहीं, बट हुन फोर्स वो कर दे, घर वाले नू ज्यादा रिश्तेदार फोर्स कर दे। ते रिश्तेदार की कहंदे? रिश्तेदार कहंदे हुन एज हो गई आ, ब्याह कर दो मुंडे दा, छेती कर दो। हां फिर बट हजे मैनू थोड़ा बट ओने हुन मैनू भी लगदा कि करा लेना चाहिए आ। अच्छा, थोनू हुन मतलब फैमिली तो दूर रहंदे हैगे तां थोनू लगदा है कि भई करा लेना चाहिदा है, या थोनू लगदा है कि नहीं? फैमिली तो काफी टाइम तो दूर रह रहे हां, बट पहला लगदा सी नहीं हजे थोड़ा होर टाइम चाहिए, होर टाइम चाहिए, बट हुन लगदा कि करा लेना चाहिए, हुन टाइम है। कभी कभी वो हुए थे, ज्यादातर यही रहते हैं कि घर वाले देखते हैं कुछ। पहले तो पहले ही मना हो जाती है, कभी लड़का छोटा निकलता है तो लड़कों की आजकल की हाइट बहुत छोटी है सबकी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, देखो ये उनका अपना ओपिनियन है, ठीक है, ये मुझे डिस्क्लेमर लगाना है, सबके अपने अपने ओपिनियन। आजकल तो सुन रहा था कि गर्ल्स की हाइट छोटी है, बट यहाँ बॉयज की हाइट छोटी हो रही है। ठीक है, आप अपनी बात कहिए, ठीक है, मैंने उनके कहा कि आप अपनी बात कहिए। और उसके बाद में कुछ हमारा वर्किंग लाइफस्टाइल ऐसा है कि पिछले कुछ टाइम में मेरा वेट काफी पुट ऑन हो गया है, ओके, तो मैच नहीं बन पाता काफी चीजों में। ओके, लाइक वेट पुट ऑन हो गया तो पीपल थिंक कि नहीं मोटी है, लड़की मोटी है, जनरल ओपिनियन निकल गया, जनरल लुकिंग इन दैट। आजकल आई एम हैप्पी विद दिस। जो लोग ऐसा सोच लेते हैं, अगर कोई इंसान इसलिए, मैं जहां तक थोड़ा सा यहां पर बोलना चाहूंगी, इसलिए किसी से शादी नहीं करना चाहता कि कोई पतला है कोई मोटा है, तो आई थिंक ऐसा मुझे लगा है, किसी ने ऐसा कहा नहीं कि वो आपके लिए बना ही नहीं। Definitely, that's why. ठीक है, जिसका thought process ही यही है, कोई पतला है कोई मोटा है कोई फलाना है कोई ढिकाना है, तो फिर तो thought आगे बढ़ा ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कभी कुंडलियां नहीं मिलती, अच्छा घर वालों को नहीं पसंद आते, कभी घर वालों का एस्ट्रोलॉजी का भी चक्कर रहता है, कभी मंगलिक निकलते हैं, कभी तो मतलब ये सब भी मैटर रहते हैं बीच में। ओके, तो फिर Let's see. Hope for the best. अभी तक मतलब more than 75-85 तक रिश्ते जरूर ये हुए होंगे, लेकिन उसमें से बात हुई है just मिली मैं सिर्फ दो से ही हूँ। Okay. मतलब बात जैसे फैमिली से बात करते रहते, फैमिली से बात मुझे पता जैसे चलता रहता है ना कि भी हाँ फलाने का मुंडा, फलाने का चाचा, फलाने का ये जो है वो रिश्ते में आए हुए हैं, वो ठीक है, फलाने की भतीजी का बेटा, पता नहीं समझे हमें कुछ ऐसे बोलते हैं, तो बात पता चलती रहती है। बात पता चलती है मतलब आप मिले सिर्फ दो से हो? मिले दो से हैं। जिन दो से आप मिले वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? एक के बारे में तो पूछो मत। और एक का कुछ ज्यादा ही एडवांस मतलब वो था कि क्या बताऊं मैं भी क्या था, ज्यादा ही नॉलेज था उसे शायद। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगा या उसने ऐसा शो किया? मुझे लगा कि कुछ शो भी किया। अच्छा, शो मल्टीनेशनल कंपनी में एक्चुअली कुछ वो उसका प्रोफाइल था, तो मेरी याद है कि मैं पहले अपने बारे में बताती नहीं हूँ ज्यादा, पहले सुनती हूँ कि बंदा क्या बता रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, उसके बाद में फिर अपनी पोल बाद में खोलते हैं फिर हम क्या। तो अभी आपने कितनी पोल खोली अपने बारे में? मैंने अपने बारे में सिर्फ एक ही चीज बताई है, एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो आफ्टर 17 के बाद में, 17 एज के बाद में मैं जॉब प्रोफाइल में अपनी आ गई थी, कम से कम 3-4 फील्ड में चेंज कर चुकी हूँ,
इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में एज एजुकेशन एजेंट रह चुकी हूँ और फाइनेंस में उसमें जो व्हीकल जो इंश्योरेंस होती है उसमें मतलब मेरा जो जॉब प्रोफाइल स्टार्टिंग थी वो मेरी उसमें थी इंश्योरेंस में थी okay. दो साल वहाँ करके फिर इमिग्रेशन में पाँच साल वहाँ का फिर उसके बाद में फिर फार्मा में पिछले दस साल से फार्मा में हूँ जी बिजनेस ओके आपका भरत कोई एक्सपीरियंस मैम अभी तक तो कोई नहीं ऐसा फ्रेंड्स बहुत हैं सबसे अच्छी भी मतलब लाइक नेचर बहुत अच्छी मिलती है कंफर्टेबल होते हैं बट फिर वो ओपिनियन नहीं आती मेरा था कि जहाँ घर वाले कहेंगे वहीं करना है बट आज तक कोई ऐसा माइंडसेट नहीं कि हाँ पर्टिकुलर यही गर्ल है बट आज तक ऐसा कुछ नहीं तो घर वाले किसी किसी को दिखाते रहते हैं या नहीं अभी मैंने उनको बोला जैसे आपको कोई कंफर्टेबल होता है होता है होता है ओथे वो फंक्शन है फलाने दा ओथे देख मैम एक दो बार हुआ है मुझे डैड ले गए मैं क्रिकेट खेल के आया था शाम को और कपड़े बहुत गंदे थे लोअर पहना हुआ था ही सेड कि भरे चल चलते हैं मैं कहाँ जाना है कहते कहीं तो जाके आएंगे मैं कहा चलो मुझे नहीं पता वो क्या हो रहा है मेरे साथ मैं गया वहाँ पे लड़की पूरी सच के आ रही है मुझे लगा किसी को दिखाना होगा मुझे ले आए सामने बिठाने के लिए कि एक अच्छी ओपिनियन मिल जाती है एज एज हमारे एज के हैं तो चला गया मैं बात हुई डैड से एंड डैड की सिंपली लड़की ठीक है मैं कहा हाँ लड़की ठीक है उसको क्या है अच्छी दिख रही है मुझे नहीं पता वो मुझे दिखा रही है कि यार ये तेरे लिए मैं कहा सीरियसली मैं उठ के भाग गया वहाँ से लाइक ठीक है आप लेके आयो मुझे बता दो मैं मेंटली हो जाऊँ कि मुझे बता रहे हैं मैम उसके बाद मैंने वहाँ से चलो मैं घर पे आ गया उनको बाद में उनके घर गया एक घंटे दो घंटे बाद मैं सॉरी फील करके आया सबको मुझे पता नहीं था ये क्या हो रहा है देन वो लड़की भी मैम काफ़ी मेरी बातों को अंडरस्टैंड किया उसने कि आई एम ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल कि मैं अभी शादी कर सकूँ कुछ भी ऐसा तो उसने एग्री किया और मैं भी उस टाइम मेरे कोई माइंड नहीं था मैं तो खेल के आ रहा था मुझे पता ही नहीं कहाँ लेके जा रहे तो ऐसे ही होता है पता नहीं क्या मैं तो आपको अपने ऑफिस का यहाँ का आज का एक्सपीरियंस बताती हूँ वन ऑफ आवर गाय जो रियलिटी है ये हमारे यहाँ पीसीआर में हैं और उन्होंने कहा कि मैडम मेरा शगन है तो छुट्टी चाहिए आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ जा रहे हैं और अभी पता चला हमें कि ही गॉट मैरिड मतलब पता थोड़े ना होता है कभी तो फिर जानवी आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं इस पर मैम अभी तक तो मेरा मतलब फैमिली ही रिश्ते देख रही है तो उनके हिसाब से अगर अच्छा है तो वो पिक दिखाते हैं सबसे पहले कि आपको अच्छा लगा या नहीं तो आगे बात बढ़ाएंगे तो मुझे कईयों के पिक अच्छी लगी आपको लगता है कि आजकल का जमाना जो है सिर्फ मतलब फोटो देख करके आगे बढ़ने वाला एक्चुअली मैम प्रॉब्लम ये है कि जो पार्टनर है मतलब जो रिश्ते आते हैं वो काफी हेल्दी होते हैं और आप पतले हो मैं पतली हूं मुझे वो भी थोड़ा देखना है तो इससे क्या फर्क पड़ता है मैम थोड़ा सा तो होता है यही एक थॉट और व्यू पॉइंट है ना जो हम अक्सर माइंड में रख लेते हैं लाइफ पार्टनर की बात हो रही है और हम कहाँ पर स्टिक हैं किसी के पतले होने पर स्टिक हैं किसी के मोटे होने पर स्टिक हैं और हम थॉट वहाँ तक लेके ही नहीं जा रहे कि हमने ज़िंदगी साथ गुजारनी है उसमें पतले और मोटे होने का इतना ज़्यादा रोल नहीं है ठीक है हमारे व्यूअर्स भी हैं और आपका व्यू भी मैं लेना चाहती हूँ कि अगर आप लाइफ पार्टनर की बात सोचते हैं तो किस तरह के लाइफ पार्टनर की बात आपके दिमाग में रहती है तो पहला मैं अपने व्यूअर्स नु भी पूछला ओ थोड़े बारे की राय रख देने या फिर जिंदगी दे इस हिस्से बारे की राय रख देने हेलो हेलो हां जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल हां जी बिल्कुल वधिया जी साडे जेडे गेस्ट आए होए ने ठीक लग रहे ने थोनू हेल्दी ने ओ एकदम स्वस्थ ओ बेटी ने जेडी गल कीती वी मेरी सेहत हैवी आ ते ओदे ते मेनू बोली याद आ गई पिंडा विचों पिंड सुणींदा माड़ी माड़ी दीआं दो कुड़ियां सुणींदीआं इक पतली इक भारी पतली नूं तां व्याह के लै गए मोटी रह गई कुवारी आपे लै जाणगे जिहनूं लगी प्यारी जदों संजोग हुंदे आ ना कोई मोटा पतला नहीं आउंदा बिलकुल कोई गोरे काले दा नहीं हुंदा गा ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੈੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੇਲ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੀ ਗੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੌਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਫ ਲੱਗ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਕਹੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਰਾਣੀ ਕਬ ਆਏਗੀ ਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਰਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ हाँ नहीं उदास नहीं है मैं तो सबको एक थॉट प्रोवोकिंग वो दे रही हूँ कि देखे इतने यंगस्टर्स पार्ट होता है बिल्कुल 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 ये भी जरूरी है बिल्कुल थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਰੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡਮ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚਲਾਕ ਨਾ ਹੋ ਹਾਂ ਚਲਾਕ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਆਪਰੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਫੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਨੈਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਨ ਆਈ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ ਕਿ ਹਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਿਟ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੁਝਸੇ ਮਤ ਪੁੱਛਣਾ ਮੁਝਸੇ ਮਤ ਪੁੱਛਣਾ ਅਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਤੋ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੋ ਮੈਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਆਪਕਾ ਬਤਾਨੀ ਹੈ ਬਾਤ ਦੈਨ ਆਈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪ ਬੈਠੋ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੂੰ ਯੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਉਨਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਦੇਖੇ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ मीनाक्षी आपके दिमाग में लाइफ पार्टनर की क्या लाइफ पार्टनर अंडरस्टेबल हो बस मेन थिंकिंग अपनी मिलती हो थिंकिंग में क्या वही मैं समझना चाहती हूँ कि मतलब आप एक जैसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में कोई ज़बरदस्ती थोपे ना वो चीज़ कोई कि नहीं तुम्हें यही करना है तुम्हें यही जाना है तुम्हें यही ना ये नहीं ये नहीं होगा ठीक है एडजस्ट दोनों तरफ से करना पड़ता है कुछ मैं सुनूं कुछ सामने वाला भी सुने ये ना होगी सब मुझे सुननी पड़े ऐसा होता भी नहीं है लाइक एक्चुअली काफी रिलेशनशिप मैंने ऐसे अपने सराउंडिंग में काफी रिलेशनशिप ऐसे देखे हैं जो कि इन्हीं कारणों के कारण लड़कियां अपने घर हैं और उनके हस्बैंड जो है वो अपनी लाइफ में अपनी मस्त हैं उनको कोई परवाह ही नहीं है कि उनकी जो लाइफ पार्टनर बनके जो अपना सब कुछ छोड़ के उनके घर पे आई थी उनका बेबी भी है इवन मतलब कोई बंदा कैसा इतना रूड हो सकता है यार छोटे छोटे बेबी दोनों की तरफ है मीनाक्षी हम ये नहीं कह सकते कि ये खाली कम से कम 5-6 केस मैंने देखे मामले में ये बात है ये दोनों की तरफ है एक्चुअली ये दोनों ही तरफ है उनको भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए उनकी भी सुननी चाहिए लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या होती है हर केस में वो नहीं पता होता मुझे अपने बारे में पता है बस मुझे किसी का नहीं पता आपका लाइफ पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हो मैम कंफर्टेबल हो मेरे साथ मेरे हर एक चीज में लाइक मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ मुझे नई नई चीजें देखने का शौक है लाइक 1,000-1,500 किलोमीटर मैं गाड़ी पे चला जाता हूँ जयपुर गोवा मुंबई तक मैं अपनी खुद कार पे ट्रैवल करके गया हूँ 2-3 दिन में 2-3 दिन में पहुँच गया इजीली लाइक मेरे साथ कंफर्टेबल हो लाइक मेरे मॉम डैड काफी सपोर्टिव है मेरे हर एक चीज में मेरी सिस्टर छोटी वो काफ़ी कंफर्टेबल है लाइक
उसको पता है कि कोई भी आ जाएगा, कोई भी लड़की उसकी भाभी है समथिंग कुछ भी आएगा, वो उससे पहले उसकी फ्रेंड होने वाली है। मुझे तो बाद में पूछेंगे अच्छा ये आई है यहाँ पे। और नेचर मैम मुझे पता है कि मेरा जॉली है, मैं अंडरस्टैंड कर लूँगा। और सबसे अच्छी चीज़ है मेरे घर की, लाइक सैटरडे संडे मेरे घर में लेडीज़ को खाना बनाने नहीं देते। डैड की पॉलिसी है कि यार वो पूरा दिन वर्किंग, मेरे मॉम डैड दोनों गजेटेड ऑफिसर है, दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनकी एक बड़ी अच्छी सी पॉलिसी है कि सैटरडे संडे आप दोनों आराम करो, आज हम दोनों खाना बनाएंगे। और आटा मुझे गूंदना नहीं आता था, वो भी आ गया। लाइक कुकिंग पूरी आ गई मुझे। फिर धीरे 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 फिर खुद को देखना शुरू किया कि लाइक हाँ मुझे कपड़े धोने, मॉम वर्किंग है, मेड कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी। फिर धीरे धीरे सारा काम खुद आने लग गया। लाइक नेचर ऐसी होगी कि कोई भी पर्सन आता मैं उसके जैसा ही बन जाता हूँ। लाइक मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गया, कोई भी पर्सन आता है या मुझे कोई भी चाहिए होगा, लाइक ऐसा होगा कि नहीं मेरे साथ कंफर्टेबल हो मेरे हर एक चीज़ में। लाइक मेरा प्रोफेशन, लाइक वो बस मेरे ड्राइविंग के टाइम होता है कि बस मुझे गाने मैं बहुत कम सुनता हूँ ड्राइविंग के टाइम पे, तक मुझे कोई बात करने वाला मिल जाए जितनी दूर तक हो सके, लाइक 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर, लाइक जब तक मैं ड्राइव कर रहा हूँ लाइक मेरे साथ बातें करते रहे। मतलब बहुत बात होनी चाहिए फिर मतलब गप्पे मारने आती हूं मुझे जी मैम। तो जानवी आपका क्या व्यू पॉइंट है? मैम मेरा व्यू पॉइंट ये है कि पार्टनर केयरिंग और अंडरस्टैंडेबल हो, जो समझता हूँ। मुझे ज़्यादा वो नहीं चाहिए कि कोई अमीर या कुछ वैसे। सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश है, मेरा कोई ब्रदर नहीं है, हम दो सिस्टर्स हैं जॉइंट फैमिली में। तो बस वो मेरे कहने से पहले वो मेरी फैमिली को खुद पूछ ले कि वो ठीक है या नहीं। बस मतलब मुझे सिर्फ आपकी फैमिली के साथ थोड़ा सा उसका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं पूछूं ना पूछूं मैं उसकी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल रही हूं, तो वो जस्ट मेरे फैमिली को कॉल करके पूछ ले भी आप ठीक हो। वेरी गुड, सिर्फ ही बहुत अच्छा लगा। मैं अभी बहुत सारी और आपसे बातें करना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना जैसे शादी का टाइम फिक्स है वैसे ये शो का भी टाइम फिक्स है। लेकिन अपने व्यूअर्स से मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, अगर आपको भी लगता है कि कोई आप में से आपके आसपास है ना, एज आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक एज में ही लोग लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं, एक एज के बाद भी उनको लगता है अगर वो सिंगल हो गए हैं, रीज़न कोई भी रहा, कोई भी एनी रीज़न, क्या पता शादी देर से की हो, क्या पता मैच थोड़ा थॉट प्रोसेस ना मैच किया हो, कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो अगर आप भी लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हैं, तो आप हमसे इस शो में जुड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टूडियो में ही आएं, स्काइप के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बस करना आपको ये है कि ये जो नंबर और ये जो मेल आईडी आ रहा है उस पर आप अपनी डिटेल डालिएगा, और फिर हम देखें ना सिर्फ यहाँ बैठ कर के नहीं, आपके आपके घर से, आप जहाँ होंगे आपके ऑफिस से, यहाँ अपने स्टूडियो में ले आएंगे, ज़रूर बताइएगा। और आप सबको मैं ऑल द बेस्ट अपने सारे व्यूअर्स की तरफ से, ठीक है? और जल्दी से आपकी मुझे ज़रूर इनवाइट कर लीजिए। श्योर, ठीक है, हमें इनवाइट कर लीजिए। और जो ये आपको एडवाइस दे रहे हैं अच्छी अच्छी खूबसूरत सी आपके लिए विशेस करें, इनको भी इन्वाइट कीजिएगा जब भी आपकी मैरिज, ठीक है? और बस जिंदगी में ये जो रानी प्रिंसेस और ये जो राजकुमार होता है ना घोड़े वाला, वो एक्चुअली ख्वाबों में है, रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। तो उस हिसाब से बस खूबसूरत से आपके आपको समझने वाले आपको लाइफ पार्टनर मिले, और फिर जब आपकी शादी हो जाए तो यहाँ ज़रूर आइएगा इसी शो मैम, ठीक है? और अपना ख्याल रखिए, अपने व्यू पॉइंट आप हमें ज़रूर बताते रहिए simmer@justbroadcasting.com। टेक केयर।